ये देखिए वीडियो। रिचार्ज नहीं कराया, इतनी बार कॉल आ रही है। मैं आपका नौकर हूँ, ऐसे बात कर रहे हो मेरे से। दोस्तों एक वक्त होता था जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको फोर्स करती थी कि आप रिचार्ज करा लो, आप रिचार्ज करा लो। लेकिन समय अब बदल चुका है, ऐसा काम अब ऑपरेटर कर रहे हैं। आपके पास भी कॉल आता होगा जब भी आपका रिचार्ज खत्म होता होगा, या खत्म होने से पहले भी एटलीस्ट फोन आते हैं कि आप रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो। ऐसा ही मामला एक आपको एक ऑडियो के माध्यम से मैं सुनाता हूँ, जिसमें कितने फोर्स से कहा जा रहा है कि आप रिचार्ज करा लो। हेलो, पंकज यादव जी का नंबर है ये? जियो से बात कर रहे हैं। हाँ जी, जियो से बात कर। मुझे पता नहीं है मेरा रिचार्ज है या नहीं। नहीं, मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, आपने रिचार्ज कर लिया? नहीं नहीं, आपके पास हो या ना हो मुझे तो पता होगा ना मेरा रिचार्ज हो रहा है या नहीं। दिन में 50 बार फोन करके परेशान करते हो। एक बार तो, एक कितनी बार आ चुकी कॉल आपके पास? मेरे पास अब इतने टाइम से फोन आ रहा है कि रिचार्ज करवा लो। मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं है मेरा फोन रिचार्ज नहीं है। तो आपने रिचार्ज नहीं कराया, इतनी बार कॉल आ रही है? मैं आपका नौकर हूँ, ऐसे बात कर रहे हो मेरे से? हैं, तभी तो रिचार्ज नहीं कराया। ये रिकॉर्डिंग करा रहे हैं आपको रिचार्ज करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी के टाइम पे क्या है कि सभी के पास दो दो फोन हो चुके हैं। एक सिम में रिचार्ज कराता है, उसके बाद दूसरे सिम में रिचार्ज कराता है, एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जो कंपनियां हैं, जो ऑपरेटर हैं, उनकी एक अलग ही दादागिरी चल रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इंडोनेशिया एक अलग ही मूड में चल रहा है। ऐसा इसलिए कि अगर आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुन रखा होगा तो एप्पल की आईफोन 16 जो सीरीज है उसको उसने बैन कर दिया था अपने देश में चलने के लिए। ऐसा इसलिए कि एप्पल के साथ उसका कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपके यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या जो भी था, मतलब एक सेटलमेंट था कि आपके ही देश में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या डिफॉल्ट जो भी चीजें होती है वो करेंगे। लेकिन एप्पल ने ऐसा किया नहीं। इसके बदले में क्या किया इंडोनेशिया ने कि पूरी एप्पल की जो 16 सीरीज है सबको ब्लॉक कर दिया कि यहाँ पे बिकेगा ही नहीं। दोस्तों बांग्लादेश में एक नई प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया है, प्रॉब्लम भी ऐसा जिसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि जो अडानी जी हैं 50% बिजली का कटौती करना स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा इसलिए कि जो बांग्लादेश है, जो पुराने बिल हैं उसको वो पे नहीं किया है, ऊपर से बिजली हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसका भी पेमेंट नहीं आ रहा है। तो अडानी जी ने एक नया फैसला लिया है कि 50% कम हम इनको बिजली देंगे, जिसकी वजह से अब बांग्लादेश को एक नई प्रॉब्लम को फेस करने को भी मिलेगा। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।